गुड इवनिंग। और भी देखिए टाइम 7:30 है, टाइम दिखाई दे रही है। किधर गया? अभी 7:30 बजने वाला है, मैं अभी जा रही हूँ सौंधे देने के लिए, क्योंकि आज 5 बजे स्टूडेंट्स सब आ गए थे 10th क्लास, और छोटे बच्चों को नहीं कर पा रहे, इसलिए 5 बजे ट्यूशन, फिर 5 बजे सब स्टूडेंट आ गए थे, और 10th क्लास स्टूडेंट्स नहीं आए थे क्योंकि वो मैजिक देखने चले गए थे। हम भी अभी जाएंगे मैजिक देखने, देखते क्या हो पाए क्या नहीं। अभी तो मैं आल्टी करूंगी, बाल गोपाल को सॉल में दूंगी, तो सॉल में देंगे तो टाइम 8 बजेगी आई थिंक, तो नहीं हो पाएगा आई थिंक, आई डोंट नो। जाके तो मैं देख के जरूर आऊंगी क्या हो रहा है क्या नहीं। और चलो फिर आलती दे दूंगी, 7:30 बजने वाले आलती के, बाल गोपाल को खिला के उनको सॉइन में दे दूंगी, फिर रेडी होके फिर मार्केट जाएंगे। दीपावली की शॉपिंग करना है, कुछ कुछ सामान लाना है, आज तो लाएंगे और कुछ कुछ लाएंगे। बाल गोपाल की घी वगैरह दुपट्टे वगैरह सब फिनिश हो गया मेरा, सब कुछ गंगा जल का कुछ भी नहीं है, और कॉर्पोरेट कुछ नहीं है, तो गाँव के आने से पहले भी कुछ नहीं था। मैंने सोचा कि गाँव आएंगे फिर खरीद लेंगे, तब तक मैं नहीं गई है मार्केट, भी 2-3 बार गए थे, एक बेबी को मेडिकल लेकर गई थी, फिर और 1-2 बार कैसे गई थी और नहीं गई थी। चलो आज कुछ कुछ लेके, कुछ तो लिस्ट नहीं किया है, जो भी याद है कि ले आएंगे, और जो है धनतेरस दिन आ रही है, धनतेरस भी लेकर आएंगे। आप सब धनतेरस दिन क्या क्या लाते हैं जरूर कमेंट कर बताना। और धनतेरस के दिन तो रूपा चांदी सोना जो भी खरीदना है सौखे मन से खरीदे, जिसका सौखे मन तो वो नहीं खरीद पाए। और धन्य सागु धनिया बोला है घर में, झाड़ू लेकर आए, और गोमती चक्र भी लाने से अच्छा शुभ होता है। मैं अगले वर्ष सब लेकर आई थी, और झाड़ू को पूजा भी किए थे, झाड़ू गोम चक्र कौड़ी जो लक्ष्मी का कौड़ी है वो रात को पूजा करेंगे। यहाँ पे तो मैं सुविधा नहीं कहीं भी रखने के लिए, फिर भी मैं देखूंगी, कोशिश करूंगी, जो हो पाए मैं जरूर पूरा करूंगी, माता लक्ष्मी को संतुष्ट करूंगी और अच्छे से पूजा करूंगी। अभी वर्तमान में बाल गोपाल को स्वर्ण दे देती हूँ, उनको पूजा करके फिर आपसे मिलते हैं मार्केट में। बाय। अभी मैं आ गया बाल गोपाल को भोग लगाने के लिए। मैं बाल गोपाल को रोज सुबह को शाम को भोग लगाती हूँ, और भोग में मिस्त्री सेवो घर में जो भी हो मैं वो बाल को भोग लगाती हूँ। और मैं बाल गोपाल को भूख जैसे माँ के बच्ची को खिला के ऐसे हाथ से खिलाती हूँ, मैं ऐसे 2-3 टाइम खिला के, और उनको जल भी देती हूँ, और उनको स्पून में जल देती हूँ, वो मेरे हाथ से जल भी पी लेती है मेरे बाल गोपाल। और मेरे बाल गोपाल जल पीते रहे, मुझे इतना अच्छा लग रही है। और एक बात, बाल गोपाल के भोग में आप जरूर तुलसी डाले जाओ, जो जिसने बाल गोपाल कृष्ण के छोटे बाल गोपाल के भोग रखा है, बच्चे बाल गोपाल की सेवा करते हैं वो जो तुलसी जरूर रखे। और बाल गोपाल का देखा कितने स्पून फिनिश कर लिया वाटर मेरे बाल गोपाल ने पानी, और भोग लगा के मैंने और आलती कर लेती हूँ। और मेरा बाल गोपाल की सेवा मैं सुबह को शाम को कैसे करती हूँ आप देखना चाहती हो, जिन लोग न्यू हो तो देख नहीं देखे तो देखना चाहती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल में है, आप जाके चेक कर सकती हो। अभी मैं पूजा करके आ गई हूँ, और सबने बोलो मेरे साथ बोल राधे राधे राधे। बाल गोपाल के डोर क्लोज करने के कुछ देर 5 मिनट के बाद अब मैं आ गई हूँ बाल गोपाल को सुलाने के लिए। और बाल गोपाल को मॉस्किटो निकाल के, बाल गोपाल मॉस्किटो में इतना डालती हूँ उनको, थोड़ा सा मॉस्किटो थोड़ा सा खुशबू आए, इतना अगर इतना नहीं होगा तो आप कॉर्पोरेट भी डाल सकती हो। और देखिए मैंने बाल गोपाल के तुलसी को 11 तुलसी में बाल गोपाल रोज चढ़ाती हूँ, और रोज तुलसी में राधा श्री कृष्ण जय सुमना जरूर लिखती हूँ। और लिखने बाद मैं उनको बांध, आप राधा कृष्ण के पास आप बांसुरी जरूर रखें, बांसुरी कृष्ण के बिना बांसुरी बिल्कुल अलग मत करना। और उनको अलग उनको रख के फिर मैं नायर बाल गोपाल जो दिन में जो ड्रेस पहना थे मैंने उसको निकाल के बस बस ठंडी ना गई ना, मैं उनको सूटर पहना देती हूँ। गर्मी के दिन हल्का सा कपड़ा, और ठंड के दिन थोड़ा सा भारी कपड़ा स्वेटर वगैरह से बाल गोपाल को पहनने से, जैसे छोटे बच्चों को करते ना वैसे हम बाल गोपाल के लिए तो सेवा करेंगे। चलो मैं बाल गोपाल से गोदी करके सुलाती हूँ, मैं बेबी भी गोदी करके बाल गोपाल से सुलाएगी मेरे साथ रोज। मैं जो भी करता हूँ बाल गोपाल से ना, मैं बेबी को भी वो सिखाती हूँ, और वो सब बात याद करती, वो सब कुछ करते मैं बाल गोपाल से, देखो वो सुला रही है बाल गोपाल को।
वो प्रो रोज सुनाते हैं बाल गोपाल को। ओके चलो मैं बाल गोपाल सुनाती हूँ, फिर मिलते हैं। सबने बोलो बोल, राधे राधे हरे कृष्णा। मैं अभी हरे कृष्ण जाप करती हूँ। हरे कृष्णा फेवरेट शॉप टिफिन सेंटर को टिफिन करने, फिर टिफिन करेंगे, फिर रोटी वगैरह मौसम वगैरह कुछ खाएंगे, डिनर करेंगे, फिर होम जाएंगे। खा के कितने दिनों के बाद मैं ये टिफिन सब में खा रही हूँ। चलो खा लेते फिर उस बात। चीज किस किस को खाने का पसंद है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है जेली बिस्किट। जिस फेवरेट बोलू। हे गाइस, हम आके घर पहुंच गए हैं और रोड में इतना ठंडा, इतना कोल्ड हो। लास्ट में मैं स्वेटर फूटर कुछ भी नहीं पहन के गई थी। बेबी को मोकी का भी नहीं पहना था, बस एक शॉल लेके स्टॉल लेके गई थी। मैं बाबू ने का हेलमेट पहन लिया, मैं नहीं रुक पाई थोन में। अरे बाबा ने गोलू अभी सो गई है, चलो मैं उसको सुला देती हूँ। वो भी सो रही है, रो रो। दोपहर में नहीं सोए थे, वो सो गई। चलो बाबू ने बेबी गुटी को होल्ड करो ना, डोर क्लोज करो, बेबी गुटी होल्ड करो। अरे बाबा रे, अरे बाबा रे, मेरे ध्यान से बानो गैस बानो लाए थे। आते है ये गाली का बानो है, देखो थ्रो गोली, देखो कितना सारा गोली। सो हैप्पी, देखो वो सोने वाले थे, अभी क्या कर रहे हैं। देखिए गाइस, गोलू के हेड में वन ठोक करेंगे। डोंट वरी, ओके 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 ओके। कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। थ्रू 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 Finish हो गया? This pin is? बाबू ने और no packet, only one packet. और here throw, here this. Hey guys, good morning. अभी time 9 बजने वाला है और आज Saturday, आज today Saturday और Saturday का दिन tuition 3 बजे है। तो बाप बेटे क्या कर रही है, बाप बेटे क्या कर रहे होंगे? वो बाप बेटे सो रहे हैं अभी तक। ट्यूशन सैटरडे के दिन वो 8-9 बजे उठेंगे वो बाप बेटे। चलो उठने दो। और मेरा पूजा तो हो गई है और मैं जा रही हूँ पूजा। मैंने क्या करना, मेरे कार्तिक महीने जो होती है वो कार्तिक महीने में रात को सुबह को उठ के जल्दी पूजा कर लेती हूँ। ऐसे भी ट्यूशन 7 बजे रहती है तो मैं सुबह को उठ के पूजा कर लेती हूँ। फिर कार्तिक महीने तो वो थोड़ा जल्दी उठ के मैं पूजा पूजी कर लेती हूँ और करके बस भागवत वो जो नहीं पढ़ पा रही हूँ मैं, पोथी वगैरह कुछ जो है स्तुति वगैरह कुछ नहीं पढ़ पा रही हूँ। इसलिए मैंने क्या करती हूँ ना, इवनिंग को भी नहीं पढ़ पाती। इवनिंग को ट्यूशन 6 बजे रह जाती है, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। कल संभालते देखे ये कर देती हूँ। कभी कभार 8 बजे ट्यूशन फिनिश होने के बाद अच्छे से वॉश होके फ्रेश होके धुलाई करके अच्छे से 9 बजे 8 बजे में हो जाए ये संध्या देती हूँ। फिर क्या करती हूँ ना, मैं सुबह को पूजा करके ट्यूशन जाने के बाद आके मैं आलती जो भागवत पढ़ लेती हूँ। सुबह को जब भी टाइम मिले मैं भागवत पढ़ लेती हूँ, स्तुति पढ़ देती हूँ और सुबह को शाम को आलती दे देती हूँ। चलो अभी मैं यार बैठती हूँ भागवत पढ़ने के लिए। ये भागवत रखा है, कुछ भी खाना पीना नहीं किया है मैंने। कुछ खाना पीना ना करके मैं भागवत पढ़ लेती हूँ, फिर जाके खाना खाती हूँ। देखिए जो भी जितना लेट हो जाने तो फिर मेरा भागवत, मेरा गॉड, मेरा मुझे चाहिए।
तो प्लीज जब जा रही थी कुक खाना, बाबू तो सो रही, मैं जा रही थी खाना बनाने के लिए, लेकिन खाना बनाने, लेकिन गैस फिनिश हो गई है। 2-3 महीने हम गैस जाते हैं, 1.5 महीने आई थिंक हो गई, इस महीने था शायद कम गई इस रूम से, क्योंकि अगले जो रूम थे वो हमें रेंट के साथ हमें इलेक्ट्रिक बिल देना पड़ता था। तो इस जो न्यू रूम होम जो 2 महीने के समय न्यू रूम न्यू होम न्यू हाउस रेंट लिया है वो ना इलेक्ट्रिक बिल के साथ ही हमें प्राइस देना पड़ता है। अच्छे सस्ता सा है, अच्छे से हम देखे, अच्छा सा घर भी आप सबको दिखाया था, घर कितना थे रूम है, अच्छा सा घर भी है, और भगवान की कृपा से बाल गोपाल की कृपा से सब अच्छा अच्छे हो रही है हमारे जीवन में, और अच्छे से दे बस अच्छे से रूम वो रेंट इलेक्ट्रिक के साथ है, वो उनका लाइट वगैरह उनको सब कुछ है, बस हमें तो वो इंडक्शन नहीं चाहिए, इंडक्शन में बहुत ज्यादा बिल उठता है, बहुत ज्यादा वहाँ पे हमने ये कहा था बेबी उठ गई। ओके चलो उसको मैं उठा के फिर उसको दोनों हम भागवत पढ़े, वो जो उठ जाएगी हम दोनों भागवत पढ़ते हैं, तो भागवत पढ़ के मैं आपसे मिलती हूँ। मम्मी का